सो दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि हम जो हीट सिंक का होल्स करते हैं और उसके अंदर टैपिंग करते हैं, वो कैसे करते हैं। तो टोटल प्रोसेस आज आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। देखिए, यहाँ पे हमारी रखा हुआ है एक ड्रिल, और ड्रिल के साथ ये ड्रिल होल्डर, प्रेस ड्रिल छोटा सा, जिसकी सहायता से हम अभी यहाँ पे 1.8 का बीट लगा रखे हैं। तो अभी यहाँ से हम इस ड्रिल का, इसको मतलब जो भी आपको ड्रिल यूज़ करना है, उस ड्रिल में जो है उसकी स्पीड कम ज़्यादा करने की, ये वॉल्यूम रहना चाहिए रोटर, ठीक है। इसको हम बैलेंस करके अभी होल्ड करके हम इसको चलाते हैं, ठीक है। और उससे पहले यहाँ से होल्ड करने से मतलब ड्रिल चलाने से पहले यहाँ पे आपको थोड़ा ऐसा कुछ वॉयल वगैरह डाल देना पड़ेगा, जैसे कि मैं मोबिल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको ऐसा कुछ यूज़ करना पड़ेगा ताकि जो आपका बीट है वो सही सलामत रहे और जो कटिंग है वो बारीकी से कटिंग हो, ठीक है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। तो देखिए, यहाँ पे अभी हम ब्रश से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद सेम प्रोसेस, ये जो है आप चीज़ देख सकते हैं, ये टैपर बीट बोलते हैं, टैपिंग बीट। तो इसको हम ड्रिल में लगा के भी काम कर सकते हैं। तो पहली तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं इसका हाथ से कैसे करते हैं वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो हम कुछ ऑयल लगा लेंगे इसके अंदर, ठीक है, इंजन ऑयल वगैरह, और इसके अंदर ऐसे डाल के हम घुमाएंगे, ऐसे अच्छे तरीके से, अच्छे से घुमाएंगे। अच्छे से धीरे धीरे हम उसको घुमाएंगे, फुल्ली कटिंग होके इसके अंदर पेच बन जाएगा पूरा। और याद रखना कि जो हमारी ट्रांजिस्टर वगैरह की होल्स होता है, 1.8 का जो टैपर बीट होता है, और उसी के लिए हम मतलब जो हमारे ट्रांजिस्टर वगैरह होता है उसके लिए 1.8 का जो बीट है वो यूज़ करना पड़ता है। उससे ज़्यादा मोटा यूज़ करोगे तो ट्रांजिस्टर के अंदर से नहीं जाएगा, काफ़ी सारा दिक्कत हो सकता है। और कई लोग क्या करते हैं, नॉर्मल जो बीट होता है डायरेक्ट होल्ड करके डाल देते हैं स्क्रू, तो वो बिल्कुल मतलब सेफ़ नहीं है। क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी यही करता था, बट अभी काम जब हम प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ता है और क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है, तो उस टाइम ये सब करना पड़ता है। ये सब बोले तो ये टैपिंग वगैरह करके ही सामान रेडी करना पड़ता है, नहीं तो काफ़ी सारा प्रॉब्लम आता है। ठीक से ट्रांजिस्टर हीटसिंक के साथ चिपकता नहीं है, हीटसिंक कंपाउंड लगाने से भी काम नहीं होता उतना ज़्यादा, अगर फिक्स्ड ना हो ट्रांजिस्टर हीटसिंक के साथ अच्छे तरीके से, इसीलिए हम ये भी करना पड़ता है। देखिए, काफ़ी अच्छी तरीके से ये इसके अंदर जा रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं।
ओके दोस्तों, तो ये होता है हमारी प्रोसेस हीट सिंक पे होल करने का। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कई दूसरे सर्किट के साथ।